हिंदू सम्राट पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर सरकार धाम वाले भिलाई आने वाले थे, अब उनका दौरा स्थगित हो गया है। 22 सितंबर से लेकर 24 सितंबर तक भिलाई के जयंती स्टेडियम में उनकी कथा होने वाली थी, जो किसी औपचारिक कानूनी और पंडित जी के बिजी शेड्यूल की वजह से स्थगित हो गई है। आयोजन समिति बोलबम सेवा समिति एवं कल्याण के अध्यक्ष दया सिंह ने बताया कि आयोजन की तैयारी पूरी हो गई थी और इन्हीं तैयारी को लेकर हम पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी से मुलाकात करने मध्य प्रदेश गए, जहां उन्हें आयोजन के बारे में पूरी जानकारी दी। उनकी कथा 22 सितंबर से होने वाली थी, जिसे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की ओर से स्थगित कर दिया गया है। हनुमंत कथा और दरबार आने वाले दिनों में स्थगित कर दिया गया है, अगली तारीख जल्द बताई जाएगी। हालांकि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि वे भिलाई आएंगे और उनका दौरा पक्का है, तारीख अभी तय नहीं हुई है, तारीख का ऐलान आने वाले दिनों में किया जाएगा। ओम वीर विराय नमः, हनुमंते नमः। आज पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी से मुलाकात हुई और भिलाई में हनुमंत कथा 22-23-24 जो रखा गया था, उन विषय को रखा गया। साथ में ही कई प्रक्रिया जो औपचारिक प्रक्रिया थी, कानून प्रक्रिया थी, उनको लेके हमने निरंतर कार्य को किया और सब चीज़ों से अवगत कराया। अवगत कराने के पश्चात पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी ने 22-23-24 के कार्यक्रम को अभी स्थगित कर नई तारीख हमें दी और कहा कि मैं जल्द भिलाई आऊँगा, तो जल्द ही हम नई तारीख का ऐलान करेंगे। अभी 22-23-24 हनुमंत कथा भिलाई में रोक दी गई है, आगे तारीख समय आने पर बताया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज।